अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक जो है बेसिकली स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि ओरल पैथोलॉजी को जो है ड्यूरिंग एग्जाम किस तरह याद करें, किस तरह इसको रीड आउट करें। तो मैं आप लोगों को जो है इसके बारे में आज गाइड कर देता हूँ। देखिए, ओरल पैथोलॉजी में जो चीज़ें आप लोगों को याद करने की होती है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होती है डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर और एक्सटर्नल आप लोगों से ड्यूरिंग वाइवा या एग्जाम थ्योरी पेपर डेफिनेशन के बारे में आइडिया लेते हैं। पैथोजेनेसिस आप लोगों को पता होनी चाहिए, किसी भी डिजीज की एटियोलॉजी और उसके क्लिनिकल फीचर या क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो चीजें आती हैं उसमें प्रेवलेंस, एज, जेंडर, साइट, कलर, टेक्सचर और चीफ कंप्लेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर मैं आप लोगों को इस चीज की एग्जाम्पल दूँ तो बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, स्पेशली केरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि केरीज जो होती है थर्ड ईयर में तकरीबन हर स्टूडेंट जो है पढ़ रहा होता है। और ओरल पैथोलॉजी में जो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बाद जो है डिफरेंट बुक्स के बाद जो है ये टॉपिक जो है केरीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थर्ड ईयर लेवल के ऊपर, सेकेंड ईयर लेवल के ऊपर जो है अक्सर स्टूडेंट्स को जहाँ पे भी उनको जिस इंस्टीट्यूट में भी उनको ओरल पैथोलॉजी जिस ईयर में पढ़ाई आ रही होती है तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ने सबसे पहले डेफिनेशन अगर केरीज की है तो आपने केरीज की डेफिनेशंस अच्छी तरह किसे याद कर लें, चाहे आप अपनी बना लें, चाहे शेफर का रेफरेंस ले लें, चाहे सोम्स का ले लें, और किसी भी किताब का आप रेफरेंस कोट कर सकते हैं। और डेंटल केरीज की सिंपल सी डेफिनेशन है, इज अ डेंटल केरीज अ इन्फेक्शन डिजीज, या डेंटल केरीज इज एन इन्फेक्शन ट्रांसमिसिबल डिजीज रिजल्टिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर बाय एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया फाउंड इन डेंटल प्लाक इन द प्रेजेंस ऑफ फर्मेंटेबल कायरोपोइटिड्स। तो ये एक सिंपल सी एक डेफिनेशन मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया। इसके अलावा जो है इसमें पैथोजेनेसिस और इटियोलॉजी आप लोगों को केरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आनी चाहिए, या किसी भी डिजीज अगर आप लोग जो पढ़ लें उसकी इटियोलॉजी क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, वो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने आप लोगों को बताया, प्रेवलेंस चेकआउट करें, एज किस एज में सबसे ज्यादा अगर केरीज है तो किस एज में मिल रही है, अर्ली चाइल्डहुड केरीज है या अडल्ट केरीज है, इवन जेंडर मेल फीमेल या जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग चेकआउट करें इसकी, तो केरीज की तो क्लासिफिकेशन है, या सॉफ्ट टिश्यू लिजन है तो कौन सी साइट के ऊपर कॉमन है, तो डिफरेंट डायग्नोस्टिक ट्रीज बनती हैं। तो बताने का मकसद इसमें यह है कि आप लोग ने क्लिनिकल फीचर्स के अंदर या क्लिनिकल करेक्टर्स के अंदर जो चीज़ें नोट डाउन करनी है ड्यूरिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या रीड आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या रिकॉल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किसी भी डिजीज की, तो उसमें प्रेवलेंस, एज, जेंडर, साइट, कलर, टेक्सचर और चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ इसी डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनिशियली केरीज का पेशेंट जो आता है अपनी चीफ कंप्लेंट्स के साथ आता है। इनिशियली आप लोगों को पता है कि डेंटल केरीज के क्लिनिकल फीचर्स के अंदर एसिम्प्टोमेटिक होता है इनिशियल स्टेज के ऊपर, फिर उसको जो है पेशेंट को माइल्ड पेन फील होना शुरू होता है, टूथ सेंसिटिविटी होती है, फिर केरीज लीजन जो होता है लार्जर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो आपको वहाँ पर विजिबल कैविटी जो है शो आउट हो जाती है, दिखने लगती है टूथ के ऊपर। और अगर कलर की बात करें तो ब्लैक, ब्राउन और वाइट चौक की डिस्कलरेशन की आप लोगों को शो हो ही होती है। और कभी और इसके अलावा जो है ओरल मेल मेल ऑर्डर जिसको हमने बोलना चाहिए, वो जो है कॉमन सी चीफ कंप्लेन के अंदर भी आती है या फील हो रही होती है। तो ये चीज़ें आपने जो है, आप हार्ड टिश्यू पढ़ रहे हैं या सॉफ्ट टिश्यू पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी, तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर नोट डाउन करना है, ये क्योंकि ये बेसिक्स है। तो आप कोई भी डिजीज बना रहे हैं तो उसके आगे लिख लेंगे प्रेवलेंस, इसमें इसका इतना है, एज के लिहाज से ये है, जेंडर, साइज या इसका कलर ऐसा है। देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है ओरल पैथोलॉजी में, हिस्टोलॉजी से पहले मैं जो है मेजर तो हिस्टोलॉजी है, और इसमें जो है रेडियोग्राफिक फीचर्स, रेडियोग्राफ में आपने जो है रेडियोग्राफ अगर आपने किसी भी पैथोलॉजी का देखा, ओडोन्टोजेनिक सिस्ट या ओडोन्टोजेनिक ट्यूमर या डेंटल केरीज में, तो उसमें आप लोग ने जो मेन चीजें रेडियोग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है, रेडियोलूसेंट, रेडियोपेक या मिक्स लीजन, बॉर्डर ऑफ द लीजन, इफेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, रूट रिजॉर्प्शन और रूट डाइवर्जेंसी,
इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियोग्राफिक अपेयरेंस हो रही होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किसी भी आप रेडियोग्राफ को जो है इसी तरह से रीड आउट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आज दो रेडियोग्राफ आप लोगों को शो किए हैं। एक में आपको सिस्टिक कैविटी दिख रही है और देखें इसके तरीके से लार्ज हुई है, टूथ डिस्प्लेस हुआ है, और इसकी बॉर्डर आप देखें वेल डिफाइंड बॉर्डर हैं और रेडियोलूसेंट लीजन है। इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखें तो आईडी कैनाल थोड़ी सी इसमें डिस्प्लेस्ड होती हुई दिख रही है। और इसके अलावा जो ये पहले जो था ये अर्ली स्टेज के ऊपर जो था, जो पहले का रेडियोग्राफ था 5 ईयर्स पहले, और तो इसमें पेशेंट को दांत थे और इसके बाद जो है दांत नहीं है। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं और रेडियोग्राफ को इसी तरह से रीड आउट करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं रेडियोग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने ये चीजें नोट डाउन करनी है और इसी तरह से इसको रीड आउट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद बात करते हैं हिस्टोलॉजी के, हाउ टू स्टडी ओरल पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स। आपको किसी भी हार्ट टिश्यू सॉफ्ट टिश्यूज के आइडिया होना चाहिए। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में जो मेन कॉमन फीचर्स आप लोग ने नोट डाउन करने होते हैं, सबसे पहले आप उसका कैप्सूल देखें, और किसी भी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर में अगर आप लोगों को कोई कैप्सूल शॉट दिख रहा है, उसका पैटर्न कैसा है, सेल्स एपिथीलियम की लाइन कैसी है, कनेक्टिव टिश्यू और अदर क्लिनिकल फीचर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और भी लीजन्स के रिगार्डिंग होते हैं, तो वो आप लोग नोट डाउन करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको मेंशन किया, ये आप देख सकते हैं थिक कैप्सूल सराउंडिंग द ट्यूमर, ये ट्यूमर है, और आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का आप लोग ने पहले हिस्टोलॉजी के फीचर्स को नोट डाउन करना है। देन इसके अलावा पैटर्न के ऊपर बात करें तो लोबुलेटेड पैटर्न भी होता है और जो है ट्रेबिकुलरी पैटर्न्स भी होता है। जिस तरीके से आपको ये पैटर्न दिख रहा है कॉन्ड्रो मैग्जॉइड का, और इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कि नीचे जो है स्पेशल जो है पैटर्न, ये जो है एडिनोमेटोजेनिक ट्यूमर से रिलेटेड है, रोजेट पैटर्न आप लोगों को इसमें शो हो रहा है। तो इस तरह के पैटर्न जो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड फीचर्स होते हैं वो आप लोगों को याद करने पड़ते हैं, रिमेम्बर रखने पड़ते हैं यार किस में ये चीज़ मिली है, या इस तरह का पैटर्न और किस चीज़ में मिला है। तो उसका मैं आपको एक और कंपैरिजन चार्ट का आइडिया दूंगा कि किस तरीके से आप लोग उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक ओरल कॉन्ड्रो मैग्जॉइड फाइब्रोमा की सेल रिजोन और सेल फ्री जोन है, तो ये पूरी हिस्टोलॉजी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न जो आप लोगों को शो हो रहे हैं, और तो उसमें एस्ट्रोलॉजिकल फीचर्स जब भी आप लोग याद कर रहे हैं तो उसमें आप लोग ने कैप्सूल इसका पैटर्न को नोट डाउन करना है, एपिथीलियम के लाइनिंग को, कनेक्टिव टिश्यू और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द लीजन। तो ये आप लोग एक एक लाइन में नोट डाउन करते चले जाएं, और इसी तरीके से जो है आप लोग ड्यूरिंग एग्जाम में कभी भी एस्ट्रोलॉजी भूलेंगे नहीं। देन इसके बाद एक और क्वेश्चन होता है वाइवा में भी अक्सर टीचर आक्स करते हैं कि डायग्नोस्टिक एड्स या कोई भी डायग्नोस्टिक टूल्स क्या हैं। फर्ज करें अगर हम लोग कैविटी केरीज पढ़ रहे हैं तो केरीज में जो डायग्नोसिस होती है इसमें आप लोग सबसे पहले हिस्ट्री पेशेंट से लेते हैं, देन क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होता है। इनिशियली आप लोगों को पता है कि इनिशियल जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया चौकी व्हाइट स्पॉट लीजन होता है, देन इसके बाद कैविटी के ऊपर आप लोग ब्लो एयर करते हो और सस्पेक्टेड टूथ सरफेस इज यूजफुल, लेटर स्टेज के ऊपर आप लोगों को पता है कि कैविटी सेशन मिलती है। देन इसके बाद जो आप लोग रेडियोग्राफ को एडवाइस करते हो और इसके अलावा लेजर वगैरह से डिटेक्शन हो, आजकल करंट कंडीशन में चल रही है शायद आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक और मैं ये तो हार्ट टिश्यू में रेडियोग्राफ ज्यादातर थर्ड लेवल के ऊपर आप लोगों को जो है जो मेन फोकस करना होता है इसमें हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर, देन रेडियोग्राफ। और एक और एस्पेक्ट होता है जो कि एस्ट्रोलॉजी, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आपने किसी भी पैथोलॉजी की जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी पड़ती है, फर्ज करें कम से कम 3 या मैक्सिमम 4 डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक आप लोग बनाया करें
और केरीज की डेफिनेशनल डायग्नोसिस जिस तरीके से है, एपोप्लास्टिक एनामल है, एल्पोकैल्सिफाइड एनामल है, फ्लोरोसिस और स्टेनिंग, ये डेंटल की डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर आता है। तो जो मैं आप लोगों को डिफरेंशियल डायग्नोसिस का एक और आइडिया दूंगा, वो चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा, जो मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग इस तरीके से एक चार्ट अपने जो भी आप लोग सिस्ट पढ़ रहे हैं या ट्यूमर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट करें सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, हार्ट टिश्यू पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो कंपैरिजन किया करें, एक चार्ट बना लिया करें, उसमें एज, जेंडर, साइट, रेडियोग्राफिक फीचर, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, ये तो बेसिक थर्ड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा एडवांस हो जाता है एम फिल और MS MD वालों के लिए, लेकिन स्टूडेंट काफी इंटरेस्टिंग होते हैं थर्ड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर ओरल पैथोलॉजी में कोई इम्यूनोस्टोकेमिस्ट्री दिखाई बताई जाए, तो इम्यूनोस्टोकेमिस्ट्री में आप लोगों को कोई अगर स्टेन दिख रहा है पिंक कलर का है या पर्पल है या वायलेट है, तो कौन सा स्टेन यूज हो रहा है, उसमें मेंशन होता है, किताबों में लिखा होता है, तो आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। तो और इस तरीके से आप लोग जो है चार्टिंग बना लिया करें, फर्स्ट करें और ओडोन्टोजेनिक सिस्ट है और डेंटेजेनस सिस्ट का आपने कंपैरिजन कर लिया, या ओडोन्टोजेनिक ट्यूमर का और ओडोन्टोजेनिक सिस्ट से कंपैरिजन कर लिया, इसमें आप लोग ने एज लिख दिया कि ओडोन्टोजेनिक सिस्ट किस एज में आ रही है या डेंटेजेनस सिस्ट किस एज में आ रही है, देन जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेल में है फीमेल में है, और साइट कौन से साइट पे ओडोन्टोजेनिक सिस्ट मिल रही है या ओडोन्टोजेनिक डेंटेजेनस सिस्ट मिल रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आप लोग को रीड करने का, याद करने का और रिकॉल करने का, और जो कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आप लोगों की माइंड में जो है चीज़ें अंडरस्टैंड रहती हैं, और जो कि रटना नहीं होता। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि रट्टा नहीं मारे, रटा नहीं जाता उसमें, इसमें जो होती है रिटेन करनी पड़ती है नॉलेज को, तो इसी तरीके से आप लोग रिटेन कर सकते हैं। फिर देन आपने रेडियोग्राफिक फीचर एक एक पॉइंट के अंदर लिख दिया इस चार्ट के अंदर, और हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, और स्पेशली अगर कोई स्टेन आप लोगों को मिल रहा है तो वो आप लोग ने मेंशन कर दिया, तो एक आपकी कॉम्प्रिहेंसिव जो है ओरल पैथोलॉजी की बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की हो जाती है, और आप लोग बहुत अच्छी ओरल पैथोलॉजी रीड आउट करना आ जाएगी आप लोगों को। इसके अलावा जो है मैनेजमेंट ट्रीटमेंट तो ओरल पैथोलॉजी का पार्ट मैं नहीं समझता कि होता है, लेकिन किताबों में मेंशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट दोनों का आइडिया दिया। देखिए ट्रीटमेंट मैनेजमेंट इसलिए पूछते हैं कि फर्ज करें कोई भी थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप लें ये चीज़ हमने पैथोलॉजी पढ़ी हुई है, देन आप लोगों की पोस्टिंग होती है क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, उसमें आप लोग पेशेंट आप लोगों एग्जामिन करते हो, उसफी लेते हो, इंट्रोरल एक्स्ट्रारल एग्जामिनेशन करते हो, देन उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाने से पहले इन्वेस्टिगेशन करते हो, फिर पेशेंट असेसमेंट करते हो, देन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने किस तरीके से मैनेज करना है। तो गोल आपको होना चाहिए, फर्स्ट करेंगे केरीज का है तो सबसे पहले आपका गोल क्या होगा केरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं बेसिक्स से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तकरीबन सारे बच्चों को केरीज पढ़ाई समझ में भी आनी चाहिए और कैरीज पढ़ते भी ये बच्चे, तो इसलिए मैं आप लोगों को बेसिक्स से ही गाइड दे रहा था। तो फर्ज करें कैरीज का आप लोगों को गोल होना चाहिए कि कैरीज अगर है एक पेशेंट को तो उसका गोल क्या है, तो आपने प्रिजर्व करना है टूथ स्ट्रक्चर को और इसकी प्रिवेंट करना है फर्दर स्प्रेड से, तो यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने लिखे हैं प्रिजर्व और प्रिवेंट, तो कैरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो बातें मेरी याद रखिएगा, प्रिजर्व करना और प्रिवेंट करना। देन अगर नॉन कैविटेट लीजन अगर आप लोग देख रहे हैं तो फर्ज करें वो अरेस्टेड कैरीज है, तो कैरीज के तो मेरे लेक्चर्स आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा पढ़े हैं पूरे, और अरेस्टेड ऑफ कैरीज है रीमिनलाइजेशन ऑफ टिमल ओलर हाइजीन और टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन जिसमें आप लोग देते हैं, जिससे जिसके बाद जो है रिडक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ रिफाइंड शुगर इनटेक ऑफ नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, फर्ज करें नॉन नॉन कैविटेड लीजन का नॉन ऑपरेटिव प्रोसीजर हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, देन इसके बाद अगर आप लोगों को कैविटेड लीजन दिख रहा है तो उसमें आप लोग रेस्टोरेशन डालते हैं, जो कि कुछ जगहों पर अभी भी जो है स्टिल पाकिस्तान में तो डेंटल अमलगम यूज हो रहा है, लेकिन ज्यादातर जो अब ऑब्सलीट हो गया अमलगम वर्ल्ड वाइड, वो एक लेक्चर मैंने भी अमलगम का डाला था कि हैजर्ड ऑफ मरकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। देन कंपोजिट रिजन आ गया, कंपोजिट टूथ कलर फिलिंग मटेरियल्स, और नॉन रिस्टोरेबल टीथ होते हैं तो उनकी एक्सट्रैक्शन कर जाते हैं की जाती है, और डेंटल सीलेंट तो आप लोगों को पता है कि ये चाइल्ड के ऊपर जो है
बच्चों में खासतौर पर दिया जा रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मैनेजमेंट का। आप लोगों को थ्रेड लेवल के ऊपर एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। नॉन ग्रेविटेड लीजन आ गया तो किस तरह मैनेज होगा, ग्रेविटेड लीजन हो गया तो किस तरह होगा, देन कौन सा दांत है जो कि रिस्टोरेबल नहीं है उसको एक्सट्रैक्शन दे करनी है। इसके अलावा प्रिवेंशन की जो मैंने आप लोगों से बात की, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिवेंशन का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रिवेंशन में जो है आप लोग ने जो है पेशेंट को गाइड करना है। यहाँ पे जो है आप लोग ट्रीटमेंट करके जो है पेशेंट को नहीं गाइड करते, ओरल मेंटेनेंस हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइट की मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन और फ्लोराइड की कंसंट्रेशन स्पेशली ड्यूरिंग यूज ऑफ फ्लोरिडेटेड वाटर 0.7 to 1.0 ppm ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट पीरियड, टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन, फ्लोराइड टूथपेस्ट वार्निंग एंड माउथवॉश। तो ये आप लोगों को थ्रेड लेवल के ऊपर जो है पता होना चाहिए स्पेशली। और ओरल पैथोलॉजी में जो है ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं याद करने के वो हिस्टोलॉजी और रेडियोग्राफिक फीचर और क्लिनिकल फीचर तक होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में आप लोगों से थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि क्या करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो होता है आप लोग जो फिर क्लिनिकल ओरिएंटेड वर्क ज्यादा करते हो तो वो आप लोगों को एक आइडिया हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को इतना बड़ा मेजर सब्जेक्ट थोड़े से टाइम के ऊपर कोशिश की है मैंने आप स्टूडेंट को समझाने की। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ओरल पैथोलॉजी फाइनल ईयर में, सॉरी फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान किस तरीके से पढ़ाई जाती है, किस तरीके से याद कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के सवाल का जो है रिप्लाई करूँ, आंसर दूँ। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।